हाय गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यू डब्ल्यू के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर यानी उद्दीपन के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर के बारे में, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से, यानी 161 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों आगे चलते हैं। क्या होता है सामान्यतः बीम फैक्टर की मात्रा के बीच बदलती रहती है, यानी कि कौन सी फैक्टर है जिसमें कि उसकी मात्रा बदलती रहती है, 0 से 1 से 0.4 के बीच, या 0.7 से 0.98 के बीच, या 0.2 से 0.4 के बीच, या 0.3 से 0.8 के बीच। सामान्यतः बीम फैक्टर की मात्रा 0.3 से 0.8 के बीच बदलती रहती है। बीम फैक्टर प्रक्षेपी की बीम के ल्यूमन मात्रा था लैम्प में उत्पन्न मात्रा का अनुपात है, यानी बीम फैक्टर बराबर बीम ल्यूमन अपान लैम्प ल्यूमन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई दोस्तों पहले का नंबर 3, यानी नंबर 4.3 से 0.8 के बीच होता है। क्यों होता है, इसका कारण भी दिया गया है कि सामान्यतः बीम फैक्टर की मात्रा, जो सामान्यतः बीम फैक्टर की मात्रा होती है 0.3 से 0.8 के बीच है, बदलती रहती है। बीम फैक्टर प्रक्षेपी बीम की मात्रा, यानी कि बीम मात्रा था लैम्प में उत्पन्न मात्रा का अनुपात वो है। बीम फैक्टर बराबर बीम का ल्यूमन अपन लैम्प ल्यूमन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, गैस डिस्चार्ज लैम्प में बीम की वाष्प भी एक नोबल गैस के साथ भरी होती है, यानी कि इन अ गैस डिस्चेंज लैम्प वेपर आर आल्सो फील्ड एलोंग विद द नोबल गैस, यानी कि किसमें होती है, लिथियम या हीलियम में, या बेरियम में, या सोडियम या मरकरी या हीलियम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सोडियम या मरकरी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि दीप्त की इकाई कैंडल प्रति वर्ग मीटर है, या ल्यूमिनस तीव्रता की एसआई इकाई कैंडला है, या प्रत्यक्ष प्रकाश का उपयोग मान सामान्यतः 0.4 से 0.6 के बीच होता है, या CFL में बिजली की बहुत खपत होती है। तो CFL जो होता है दोस्तों, इसमें बिजली की खपत जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, उसी की अपेक्षा LED जो होती है उसमें बिजली की खपत उससे कम होती है, यानी कि आधे के बराबर होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कम तरंग दैर्ध्य वाला होगा, तो कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन होगा दोस्तों, माने ब्लू, क्या होगा, ब्लू यानी कि नीला हमारा क्या होगा, कम तरंग दैर्ध्य वाला होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 165 क्वेश्चन की तरफ। एक समान वाटेज के लिए किस लैंप से न्यूनतम प्रकाशीय ऊष्मा का निर्गमन होगा, यानी कि फॉर द सेम वाटेज विच लैंप विल प्रोड्यूस लीस्ट रेडिएंट हीट, मरकरी वाष्प लैंप में, सोडियम वाष्प लैंप से, फ्लोरोसेंट लैंप से, या टंगस्टन फिलामेंट लैंप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट लैंप से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 166 क्वेश्चन की तरफ। किसी लाइटनिंग योजना के लिए आवश्यक संपूर्ण फ्लक्स इनमें से किस पर व्युत्क्रमिक रूप से निर्भर होता है, यानी कि टोटल फ्लक्स रिक्वायर्ड इन एनी लाइटनिंग स्कीम डिपेंड्स इनवर्सली ऑन, तो स्पेस ऊंचाई के अनुपात पर, उपयोग गुणांक के ऊपर, या फिर क्षेत्रफल पर, या प्रदीपन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रदीपन पर, यानी इल्यूमिनेशन पर, क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूपीएफ वाला घरेलू भार किसमें होता है, यानी कि द डोमेस्टिक लोड दैट हैज़ UPF इज, यानी पंखा में होता है, या मिक्सर में होता है, या ट्यूब में, या फिलामेंट लैंप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, फिलामेंट लैंप में होगा। आगे चलते हैं 168 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से CFL के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग अ CFL। इसकी रोशनी ठंडक प्रदान करने वाली होती है, 18 वाट का CFL 100 वाट के उद्दीप्त लैंप के बराबर रोशनी देता है, इसमें बिजली खपत ज़्यादा होती है, उच्च स्टार्टिंग वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें बिजली खपत ज़्यादा होती है, क्या होगा, इसमें बिजली खपत ज़्यादा होती है। 169 नंबर चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस्ड सिग्नल विच अफेक्ट्स द कंट्रोल्ड आउटपुट, यानी बाह्य रूप से प्रवेशित संकेत को क्या कहा जाता है जो नियंत्रण निर्गत को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, उद्दीपन, क्या हो जाएगा, उद्दीपन, स्टिमुलस, क्या हो जाएगा, उद्दीपन।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक 0 वाट का लैंप होता है लगभग 5 से 60 वाट पावर या लगभग 15 से 20 वाट का पावर या लगभग क्या हो जाएगा 25 से 30 वाट का वायर या 15 से 20 वाट का पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट 5 से 7 वाट पावर हो जाएगा। आगे चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में योगदान देगा। तो आगे चलते हैं इसके, लाइट में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइट में होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्या है कि ल्यूमिनस सोर्स की उत्सर्जन क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, सोर्स के टॉप पर निर्भर करती है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10^-10^-10 मीटर होता है। दृश्य प्रकाश यानी अगला क्या है, दृश्य प्रकाश तरंग की रेंज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं अच्छे से। दृश्य प्रकाश की जो यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य का रेंज होगा, क्या रेंज होगा, -400 यानी कि 4000 से 7400 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा की नियंत्रित की जाती है किसने, पपिल यानी पपिल में नियंत्रित की जाती है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं दोस्तों थोड़ा अच्छा लगने के लिए। और ये कौन सा कलर हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अगला, लेंस इमेज को फोकस करता है यानी लेंस इमेज को फोकस करता है रेटिना पर, कहाँ पर, रेटिना पर फोकस करता है, कहाँ पर, रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, आँख आँख में सेंसर कहलाता है नोड्स एंड कोन्स, नोड्स एंड क्या है, कोन्स जो होते हैं हमारे सेंसर कहलाते हैं। आगे चलते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है 7000 से 7400 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की दर क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स, क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स। दी गई दिशा में सोर्स की प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता कैंडल पावर है, क्या है, कैंडल पावर, क्या है, कैंडल पावर। इल्यूमिनेशन का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, लक्स होता है, ये भी कई बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, कैंडेला का मात्रक क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला किसका मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है। आगे चलते हैं, एक ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 लक्स के बराबर होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स को मापा जाता है ल्यूमेंस में, किसमें, ल्यूमेंस में। ल्यूमेंस प्रति वाट यानी पर वाट का मात्रक क्या होता है, ल्यूमिनस इफिशियंसी का, यानी ल्यूमेन पर वाट किसका मात्रक होता है, ल्यूमिनस इफिशियंसी का होता है। आगे चलते हैं, सॉलिड एंगल यानी कि एसटी रेडियन का मात्रक होगा, ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। आगे चलते हैं, हम किसी सतह पर इल्यूमिनेशन सतह सोर्स की दूरी संबंधित है 1/-1/d² के संबंधित है। आगे चलते हैं, सतह के किसी बिंदु पर इल्यूमिनेशन बिंदु एवं ल्यूमिनस फ्लक्स के कॉस मान पर निर्भर करता है, सीओएस मान पर निर्भर करता है, कथन संबंधित है, यानी कि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पर, किस पर, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पर। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स में, कहाँ पर, इन सिनेमा प्रोजेक्टर्स में। वह पदार्थ जिसका गलनांक बिंदु सबसे कम है वो क्या है, ऑस्मियम। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है दोस्तों, -3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं, इनकंडेंसेंस लैंप के अंदर वैक्यूम का दाब होता है कितना होता है, -10^-4 mm Hg होता है। लैंप फिलामेंट से उष्मा ट्रांसमिट होती है रेडिएशन द्वारा, किसके द्वारा, रेडिएशन द्वारा। इनकैंडेंसेंट लैंप में फिलामेंट अधिकांश प्रयोग किया जाता है किसका, टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 0 वाट का लैंप खपत करता है, कितना खपत करता है, 5 से 7, कितना खपत करता है, 5 से 7 वाट पावर खपत करता है। आगे चलते हैं, टंगस्टन फिलामेंट का आउटपुट निर्भर करता है टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर, किस पर निर्भर करता है,
टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट पर निर्भर करता है। फिलामेंट लैंप इनपुट एनर्जी उत्सर्जित करता है 10-15%। इलेक्ट्रिक बल्ब का जब फूटता है तो आवाज़ उत्पन्न होती है, इसका कारण है बल्ब के अंदर निर्वात का होना। इनकंडेंसेंट लैंप की अनुमति आयु कितनी होती है? 1000 आवर्स होती है। आगे चलते हैं, ग्लो लैंप होते हैं। ग्लो लैंप क्या होते हैं? कोल्ड कैथोड लैंप होते हैं। जीएलएस लैंप का फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जीएलएस लैंप में गैस कौन सी भरी दोस्तों? इनमें से कोई अक्री गैस, कोई भी अक्री गैस उसमें हम भर सकते हैं। जीएलएस लैंप की दक्षता कितनी होती है? 10 से 18 लुमेंस पर वाट के बीच होती है। यानी कि अगला आगे चलते हैं, जब सोडियम वेपर लैंप को चालू किया जाता है तो शुरुआत में इसका कलर होता है कितना, क्या होता है? इसका कलर होता है पिंक। कितना क्या होता है? पिंक इसका कलर होता है। सोडियम वेपर लैंप का कलर होता है, सोडियम वेपर लैंप का कलर क्या होगा? पीला। क्या होता है? पीला। सोडियम वेपर लैंप के लिए प्रयोग किए गए ऑटो ट्रांसफार्मर में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर। किसके लिए? इम्प्रूवमेंट पावर फैक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, सोडियम वेपर लैंप की ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है 40-50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। फास्फर जिंक सिलिकेट प्रकाश देता है, हरे रंग का प्रकाश देता है। मरकरी वेपर लैंप प्रकाश देता है, कौन से रंग का प्रकाश देता है? ग्रीनिश ब्लू का रंग का प्रकाश देता है। कोल्ड कैथोड लैंप क्या है? नियॉन लैंप होता है। क्या होता है? नियॉन लैंप होता है। नियॉन ट्यूब का प्रयोग अधिकांशतः किसके लिए किया जाता है? फार एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेलास्टर के रूप में चालू करने के लिए किया जाता है, यानी वोल्टेज इम्पल्स प्रदान करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ पैरेलल में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है शक्ति गुणक को सुधार करने के लिए। आगे चलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक के साथ सीरीज में बेलास्ट रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है जब ट्यूब को क्या करते हैं? जब ट्यूब को डीसी से अपडेट करना हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ट्यूबलाइट की रोशनी में कभी कभी घूमते हुए मशीन का व्हील स्थिर होता है, यह है क्या है? यह दोस्तों स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्या है? स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है। आगे चलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लिकर इफेक्ट सबसे अधिक आता है, यानी कि ऑन लोअर फ्रिक्वेंसी पर। आगे चलते हैं, 1 mTr फ्लोरोसेंट ट्यूब का स्टैंडर्ड वाटेज है, यानी कि क्या होता है? -25 वाट होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑपरेट हो सकता है एसी एंड डीसी दोनों के द्वारा ऑपरेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब के कारण उत्पन्न होता है, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब के कारण क्या उत्पन्न होता है? स्टार्टर के साथ पैरेलल में स्मॉल कैपेसिटर लगाकर। आगे चलते हैं, यदि फ्लोरोसेंट ट्यूब में ब्लिंकिंग का कारण है, यानी कि ब्लिंकिंग का कारण क्या होता है? स्टार्टर को शॉर्ट सर्किट हो गया होता है तभी यह ब्लिंकिंग का कारण होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की ल्यूमिनस एफिशिएंसी होती है कितनी होती है? 60 लुमेंस प्रति वाट होती है, 60 लुमेंस प्रति वाट होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु क्या होती है? 7500 आवर्स होती है। क्या होती है? 7500 आवर होती है। सबसे कम पावर लेने वाला बल्ब है, यानी टॉर्च बल्ब होता है। क्या होता है? टॉर्च बल्ब। आगे चलते हैं, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन को सहन नहीं कर पाने वाला लैंप कौन सा है? इनकंडेंसेंट लैंप होता है, जो वोल्टेज को बहुत ज़्यादा सहन नहीं करता है। यानी कि वन लैंप जो अल्ट्रा वायलेट लैंप जैसा लाइट देता है, वह कौन सा लैंप होता है? कार्बन आर्क लैंप होता है। कौन सा होता है? कार्बन आर्क लैंप होता है। समान वाट के लिए सबसे सस्ता पड़ेगा कौन सा पड़ेगा? जीएलएस लैंप पड़ेगा। वह लैंप जो मोनोक्रोमेटिक जैसी लाइटें देता है, सोडियम वेपर लैंप। कौन है? सोडियम वेपर लैंप। आगे चलते हैं, वह लैंप जिसमें सेपरेट चोक का प्रयोग नहीं किया जाता है, सोडियम वेपर लैंप। कौन है? सोडियम वेपर लैंप। आगे चलते हैं, वातानुकूलित स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो दोस्तों आशा करते हैं सीजन आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आने वाली वीडियो के समय नोटिफिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले आए। तो चलते हैं, यहाँ पे आप लोग को यानी कि फर्स्ट चैप्टर का संपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको पढ़ा दिए UEE में और आशा करते हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो फिर से दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।